सीआईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू आठवां पाठ गाड़ियां और पहिए पृष्ठ इक्यासी इस पृष्ठ पर बहुत सारे कार्य होते हुए दिखाए गए हैं जैसे लड़की का रोटियां बनाना ठेले पर बोरियों का लादकर कर जाना साइकिल चलाना लड़के का पहिए को ढकेलना और पतंग उड़ाना कुम्हार का बर्तन बनाना ट्रैक्टर पर जाना बस का जाना और सब्जी वाले का सब्जी बेचते हुए चित्र और साथ में एक लड़के का अपनी मां के साथ चित्र लड़का बोला अरे देखो इसके कितने बड़े पहिए हैं मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे तुमने ऐसी गोल गोल चीजें अपने आसपास जरूर देखी होंगी तुम अपनी कॉपी में इस तरह की गोल गोल चीजों की एक सूची बनाओ पृष्ठ बयासी चूड़ी से गोला बनाओ क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो यहां पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ तीन चूड़ियों के चित्र हैं और बाई तरफ भी चूड़ियों के चित्र हैं जिस पर लिखा है कांच की चूड़ियां और साथ ही एक महिला का चित्र भी है महिला कहती है मैं ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती ये बहुत छोटी हैं इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है अंदाजा लगाओ एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ क्या तुम्हारी मैडम या माँ ये चूड़ी पहन पाएगी रिक्त स्थान चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है कुछ और चीजों के बारे में सोचो जिनका इस्तेमाल गोला बनाने में किया जा सकता है यहां पर दिए गए खाली स्थानों में उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनका इस्तेमाल तुम गोला बनाने में कर सकते हो अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीजों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोला बनाया जा सकता है किस चीज की मदद से सबसे छोटा गोला बन सकता है स्थान और किस चीज की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है रिक्त स्थान पृष्ठ तिरासी गोल घेरे के खेल बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं यहां पर खेलों के दो चित्र हैं चित्र खेल एक और चित्र खेल दो खेल एक में बच्चे गोला बनाकर रुमाल उठाने का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खेल दो में दो बच्चे गोले में रुमाल को रखकर उठाते हुए दिख रहे हैं और बाकी बच्चे उनके पीछे खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं क्या तुम इन खेलों को खेलते हो इनको खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं अगर आयत बनाते तो क्या होता चर्चा करो कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे बनाकर खेले जा सकते हों। इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक लड़की को कमर में रिंग से खेलते हुए दिखाया गया है पृष्ठ चौरासी गोला बनाना नैना चिंपू और अरिबा एक खेल खेलना चाहते हैं वो मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं लेकिन वो इसे बना नहीं पा रहे हैं इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है चिंपू और नैना कहते हैं ये तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है अरीबा कहती है अच्छा तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो चिंपू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं और तीनों में बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है क्या तुम चौक से फर्श पर गोला बना सकते हो कोशिश करो अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो अपने दोस्तों की कॉपी में बने गोले देखो किसने सबसे अच्छा गोला बनाया है शिक्षकों के लिए निर्देश इस अभ्यास का उद्देश्य छात्र को मुक्त हस्त से वृत्त बनाने का अवसर देना है फर्श के अलावा छात्र मैदान में किसी नुकीली चीज से वृत्त बनाने का अभ्यास कर सकते हैं विभिन्न चित्रों की तुलना से उन्हें वृत्त के आकार का एहसास होगा पृष्ठ पचासी रस्सी की मदद से गोला बनाना अरेबा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया यहां पर दो बच्चों को रस्सी और कील की मदद से गोला बनाते हुए दिखाया गया है और उसके सामने एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियां करो हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीले हर एक समूह अरीबा की तरह जमीन पर गोला बनाए सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो अब इन प्रश्नों के उत्तर दो किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया रिक्त स्थान। उनकी रस्सी कितनी लंबी थी रिक्त स्थान। क्या ज्यादा लंबी रस्सी से ज्यादा बड़ा गोला बनता है स्थान क्या तुम बता सकते हो क्यों स्थान यहां पर एक गोले का चित्र है जिस पर अर्धव्यास को दर्शाया गया है और साथ ही एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास यानी आधा व्यास है सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है स्थान शिक्षकों के लिए निर्देश इस अभ्यास का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न आकार के वृत्त बनाएं, उनके अर्धव्यास यानी त्रिज्या की लंबाई मापें तथा ये देखें कि अर्धव्यास की लंबाई बदलने से वृत्त का आकार कैसे बदलता है पृष्ठ छियासी स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ इसकी लंबाई भी नापो यहां पर एक चूड़ी का चित्र है अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है चित्र देखो उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है यहां दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाओ अब अंदाजा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है स्थान यहां पर दो गोले दिखाए गए हैं एक छोटा है और दूसरा बड़ा दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापो उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो हरे रंग के गोले का अर्धव्यास स्थान। नीले रंग के गोले का अर्धव्यास स्थान। पता करो साइकिल के पहियों या बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं? रिक्त स्थान। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है स्थान तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है रिक्त स्थान क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं स्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वृत्तों की त्रिज्या बनाने और उन्हें नापने के अनेक रोचक अभ्यास जरूरी हैं। वो पहिए और गाड़ी भी बना सकते हैं पृष्ठ सत्तासी लाली और काली रस्सी द्वारा खंबे से बंधी हुई हैं। काली की रस्सी ज्यादा लंबी है दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तक की घास खा सकती है रिक्त स्थान यहां पर एक चित्र में दो बकरियों का चित्र बना है जिनके नाम है काली और लाली उन्हें रस्सी से बंधे हुए दिखाया गया है और साथ ही रस्सी पर कपड़े टंगे हुए हैं दलजीत के डिजाइन दलजीत ने प्रकार की सहायता से ये डिजाइन बनाए हैं यहां पर तीन चित्र हैं पहले चित्र में एक पौधा दिखाया गया है दूसरे में एक वृत्त है और तीसरे चित्र में एक बच्चे को परकार की सहायता से गोला बनाते हुए दिखाया गया है उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर और डिजाइन बनाने लगी यहां पर एक दूसरे चित्र में एक लड़की को प्रकार की मदद से वृत्तों के विभिन्न डिजाइन बनाते हुए दिखाया गया है क्या तुम ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो ऐसे डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें प्रकार की जरूरत है पृष्ठ अट्ठासी परकार का इस्तेमाल क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखी है तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे अपनी परकार को खोलो परकार के नुकेले सिरे को कागज पर रखो परकार को ऊपर से पकड़ो नुकेले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो क्या तुम गोला बना पाए यहां पर दो चित्र दिए गए हैं ऊपर वाले चित्र में एक प्रकार को दिखाया गया है जिसके अंदर पेंसिल है और दूसरे चित्र में लड़की को प्रकार की मदद से एक कागज पर गोला बनाते हुए दिखाया गया है उस निशान को ढूंढो जहां तुमने प्रकार के नुकेले सिरे को रखा था यही निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है क्या यह गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना प्रकार के प्रयोग किए बनाया था इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो अब तुम दलजीत की तरह अपने डिजाइन बनाने की कोशिश करो तुमने कितने डिजाइन बनाए अंदाजा लगाओ कि यह डिजाइन कैसे बनाया गया प्रकार की मदद से ऐसा ही डिजाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ इस पृष्ठ के सबसे नीचे वाले हिस्से में दो चित्र हैं बाई ओर एक वृत्त बना है उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा खिंची है और दूसरा खाली बॉक्स है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को प्रकार की सहायता से अपने डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें इस तरह से उन्हें प्रकार की सहायता से वृत्त बनाने का रोचक अभ्यास भी होगा नवासी, क्या यह एक वृत्त है नैना एक गोला बना रही थी यहां पर नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है रवि ने उससे रबर मांगा उसने अपनी प्रकार रख दी और रबर दे दी अब वो फिर से गोला बनाने लगी लेकिन उसका गोला ऐसा बना यहां पर फिर एक दूसरे चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है सोचो नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी चर्चा करो क्या एक गोले के एक से ज्यादा केंद्र हो सकते हैं दूसरे दिन नैना परकार की मदद से एक गोला बना रही थी पर यह कुछ ऐसा बन गया यहां पर एक चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है किंतु यह टेढ़ा गोला बन रहा है क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है यहां पर सबसे नीचे नैना को पेंसिल और प्रकार के साथ दिखाया गया है नैना कहती है अरे मेरी प्रकार का पेच ढीला है मुझे उसे कसने दो अब मेरी परकार फिसलेगी नहीं पृष्ठ नब्बे केंद्र को खोजो सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं यहां पर दो बच्चों के चित्र बने हैं एक है सादिक और दूसरी है समीना सादिक कहता है मैं प्रकार की मदद से बनाऊंगा और समीना कहती है नहीं मैं तो चूड़ी से छाप कर बनाऊंगी इसी के नीचे एक दूसरे चित्र में दो बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है फिर उन्होंने अपने गोले काटे यहां पर फिर सादिक और समीना का चित्र है सादिक ने कहा देखो मेरे गोले का केंद्र है लेकिन तुम्हारे गोली का केंद्र कहां है समीना ने कहा चिंता मत करो देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूं उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया यहां पर एक गोले को मोड़कर दिखाया गया है गोले के बीचों बीच सीधी खड़ी उसके केंद्र से जाती हुई रेखा है और साथ ही आधे गोले को डॉट की मदद से दर्शाया गया है पृष्ठ इक्यानवे फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ दिया यहां पर एक आधे गोले का चित्र बना है जिसमें ऊपर वाले आधे भाग को डॉट की मदद से दर्शाया गया है उसने मुड़ा हुआ गोला खोला यहां पर सादिक और समीना का चित्र है समीना कहती है क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो सादिक ने कहा हां इसके नीचे समीना का चित्र बना है जो कहती है मैंने वहां एक बिंदु लगा दिया जहां से ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थीं। ये इस गोले का केंद्र बिंदु है अब तुम चूड़ी की मदद से कागज पर एक गोला बनाओ इसे काटो और समीना के तरीके से इसका केंद्र ढूंढो हम पृष्ठ अट्ठासी पर दिए गए डिजाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं तुमने कैसे बनाया इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में दो गोले दिखाए गए हैं बड़े गोले के अंदर दो गोले दिखाए गए हैं दोनों गोलों के आधे आधे भाग बिंदुओं की मदद से दर्शाए गए हैं अब इस गोले को देखते हुए तुम दूसरे गोले में बिंदुओं की मदद से दो छोटे गोले बनाओ पृष्ठ बयान में संतुलन करना क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो यहां पर एक बंदर के दो चित्र हैं जो अपनी उंगली पर प्लेट को टिकाने की कोशिश करता दिख रहा है बंदर ने कहा मैं करके देखूंगा गिर गई मैं फिर कोशिश करूंगा मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो देखो उंगली पर कहां टिकेगी लट्टू को घुमाओ जाकिर अप्पू, नैना और गुड्डू बोर हो रहे थे बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे यहां पर एक घर का दृश्य है जिसमें चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं अचानक गप्पों के दिमाग में एक विचार आया उसने कहा चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया उस पर एक गोला बनाया उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी पृष्ठ तिरानवे यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं जिनमें चारों बच्चे अपने अपने लट्टू बनाते हुए दिख रहे हैं अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्साहित थे उनके लट्टू कुछ ऐसे लग रहे थे यहां पर चारों बच्चों के लट्टुओं का चित्र है पहला चित्र जाकिर के लट्टू का है जाकिर के लट्टू में तीली बिल्कुल दाई तरफ है अप्पू के लट्टू में तीली बिल्कुल बीचों बीच है नैना के लट्टू में तीली बिल्कुल बाई तरफ है और गुड्डू के लट्टू में तीली दाई तरफ है अब तुम इन चारों लट्टुओं को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो सोचो किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा रिक्त स्थान। किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा रिक्त स्थान। किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा रिक्त स्थान। और किस लट्टू की तीली केंद्र के पास है स्थान अपना लट्टू खुद बनाओ तुम भी अपना लट्टू बना सकते हो और उससे खेल सकते हो लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहां करना होगा और इसी के साथ आठवां पाठ गाड़ियां और पहिए यही समाप्त होता है स्वर प्रवीण शर्मा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगदो ध्वनियांकन विकास सांगवान निर्माण सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आईईटी एन सीईआर टी नई दिल्ली भारत